हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। पाइथन के बेसिक से लेकर एडवांस डेटा टाइप के बारे में आइए चलिए समझते हैं। सबसे पहले यहां से पाइथन की जो ट्रेडिशनल आइडियली है उसे मैं ओपन कर लेता हूं। तो ये पाइथन की ट्रेडिशनल आइडियली है और इसे मैं यहां से ओपन कर रहा हूं, ठीक है। अब ये जैसे ही ओपन होगी तो यहां पर ये पाइथन की शेल है, ठीक है। अब पहला जो डेटा टाइप है जो बहुत बेसिक डेटा टाइप माना जाता है पाइथन के अंदर, उसको देखते हैं, ठीक है। तो देखिए बेसिक डेटा टाइप में पहला जो डेटा टाइप आता है वो न्यूमेरिक है, और न्यूमेरिक में कितने हिस्से हैं, न्यूमेरिक में कुल मिलाकर के तीन हिस्से होते हैं। तो पहला जो न्यूमेरिक का डेटा टाइप होता है उसे कहते हैं हम इंटीजर। तो जैसे मान लीजिए कोई भी वैल्यू प्लस या माइनस में लिखी होती है तो वो इंटीजर कहलाती है। अब यहां पर अगर मैं प्रिंट करवाता हूं तो यहां पर टाइप एक कीवर्ड यूज करूंगा डेटा टाइप को पता करने के लिए, और यहां पर ए का डेटा टाइप पता करूंगा तो यहां पर ये क्लास इंट आएगा। तो यहां पर जब मैं इसे सेव करूंगा किसी भी नाम से सेव करके और एंटर करूंगा तो यहां देखिए क्लास इंट बता रहा है। अब ये तो प्लस में था लेकिन ये माइनस में भी होगा तो भी क्लास इंट ही बताएगा, ठीक है। तो यहां पर आकर के F5 करते हैं तो देखिए ये क्लास इंट ही बता रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब ये अपॉन में होगा यानी P by Q के फॉर्म में होगा या अपॉन में होगा तो ये फ्लोट बताएगा। तो यहां पर जैसे ही मैंने इस तरीके की हमारे साथ इस तरीके की सिचुएशन आएगी तो ये फ्लोट बताएगा क्योंकि ये डिवाइड होगा, डिवाइड होने के बाद ये रिजल्ट किसमें आएगा, फ्लोट में ही आएगा। तो ये यहां पर P by Q के फॉर्म में जो भी अगर डेटा होगा वो जो है फ्लोट ही बताएगा। तो यहां देखिए ये फ्लोट बता रहा है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप ये सोच रहे हैं कि 2/2 कर दें तो ये फ्लोट नहीं बताएगा तो भी ये फ्लोट ही बताएगा। तो देखिए यहां पर देख सकते हैं यहां पर ये फ्लोट डेटा टाइप बता रहा है, यानी P by Q के फॉर्म में अगर कोई भी डेटा होगा तो वो फ्लोट बताएगा, ठीक है। इसके बाद जो है एक और डेटा टाइप है हमारे पास जिसका नाम होता है कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप का एग्जाम्पल क्या है उसको देख लेते हैं। एक वैल्यू लिखने वाले हैं जैसे 3+ यहां पर मैं लिखता हूं 7j, तो ये किस तरह का डेटा टाइप हुआ। तो ये देखिए इसमें टेक्स्ट भी है, नंबर भी है, प्लस है, माइनस भी हो सकता है। अगर मैं F5 करता हूं तो यहां पर ये किस टाइप का डेटा टाइप बताएगा, तो ये कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप हो जाएगा। यानी कॉम्प्लेक्स भी बताया मैंने, इंटीजर भी बताया, फ्लोट भी बताया, ठीक है। तो हर तरीके का डेटा टाइप हो गया। अब ये बेसिक तो खत्म हो गए, अब हम बात करते हैं एडवांस डेटा टाइप की। एडवांस डेटा टाइप में जो पहला डेटा टाइप आएगा वो है लिस्ट। कौन सा डेटा टाइप है, लिस्ट। ये एडवांस डेटा टाइप है पाइथन का। तो लिस्ट की पहचान कैसे होती है, तो देखिए जब भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, अब देखिए अगर आप सी लैंग्वेज पढ़ते हैं तो स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब हो जाएगा एरे, लेकिन यहां पर पाइथन के अंदर कोई इनबिल्ट एरे नहीं होता है। तो ऐसे में इसे लिस्ट को ही क्या कहते हैं, एरे कहते हैं। तो अब यहां पर कुछ नाम जैसे राम श्याम कुछ भी लिख लेता हूं यहां पर, और इसकी पहचान के लिए वही करेंगे हम जो कि अन्य डेटा टाइप्स की पहचान के लिए करते आ रहे हैं, ठीक है। यहां पर एक और नाम लिख दिया, तो ये देखिए ये बन जाएगा लिस्ट। अब लिस्ट कैसे होगा, देखिए यहां पर आकर के प्रिंट करेंगे प्रिंट, और यहां टाइप ऑफ क्या करेंगे, टाइप ऑफ ए, ठीक है। तो ये हो गया टाइप ऑफ ए, और अगर F5 करते हैं एंटर करते हैं तो आप देखेंगे ये लिस्ट डेटा टाइप ये बता रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ये जो है डेटा टाइप जो है बताएगा, ठीक है। अब देखिए आगे की बात करते हैं, आगे यहां पर हम क्या करेंगे, आगे यहां पर ये चीज चेंज करेंगे, यानी ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसे स्मॉल ब्रैकेट में बदल देंगे, ठीक है। तो ये बन जाता है टपल डेटा टाइप। कौन सा डेटा टाइप बनेगा, टपल। तो यहां पे F5 करते हैं एंटर करते हैं तो देखिए ये क्या बता रहा है, क्लास टपल बता रहा है, यानी बात हो गई टपल डेटा टाइप की। इसके बाद जो बात आती है वो बात आती है सेट डेटा टाइप की या डिक्ट डेटा टाइप की, डिक्शनरी, डिक्शनरी जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पे DCT नाम से एक बना लेते हैं, और डिक्शनरी की पहचान होती है ये कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। तो ये जो कर्ली ब्रेसेस है ये डिक्शनरी डेटा टाइप की पहचान होती है, और इसमें क्या क्या चीजें होंगी, नाम से बनाया है। तो पहला जो है यहां पर मैं क्या करता हूं, यहां पे लिख देता हूं नेम, तो ये हो गया नेम, ठीक है। और फिर डबेटेड कॉमा को क्लोज करके यहां कॉलन लगा दीजिए, ठीक है। तो नेम में अब नाम क्या रहा तो उसको डबेटेड कॉमा में यहां पर लिख दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया करके। अब दूसरी चीज, अब यहां पर एक एक हिस्सा खत्म हुआ, अब यहां पर दूसरा, जैसे क्लास कर दिया हमने तो ये हो गया क्लास, और डबेटेड कॉमा को क्लोज करके यहां पर कॉलन लगा करके और यहां क्लास का नाम दे दिया, ठीक है। टाइप ऑफ डीसीटी देखेंगे, यहां पर डीसीटी करना होगा, और यहां पे F5 करेंगे तो देखेंगे कि यहां डिक्ट आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया डिक्शनरी डेटा टाइप। एक और डेटा टाइप रह गया है जिसे हम कहते हैं सेट डेटा टाइप, और सेट डेटा टाइप में की और वैल्यू का कॉम्बिनेशन तो नहीं होता है लेकिन कर्ली ब्रेसेस जरूर होता है। तो यहां पर सेट डेटा टाइप की बात करते हैं, जैसे यहां पर लिख दिया हमने राम, फिर यहां लिख दिया श्याम, इसमें डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं होती है। जैसे मान लीजिए एक बार और राम दे दिया तो ये एक ही बार प्रिंट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नाम हमने लिख दिए, ठीक है, और इन नामों को हम डबेटेड कॉमा के अंदर लिखेंगे। तो ये देखिए ये डबेटेड कॉमा के अंदर एक नाम हो गया, फिर यहाँ पर डबेटेड कॉमा के अंदर दूसरा नाम हो गया,
और इसी तरीके से तीसरा, तो हर बार डबल डॉट कॉमा या सिंगल डॉट कॉमा आपको लगाना है, ठीक है। जब भी नाम आप लिखेंगे या कुछ भी लिखेंगे, यानी स्टेट डेटा टाइप बनाएंगे, तो ये डबल डॉट कॉमा या सिंगल डॉट कॉमा दोनों में से कोई एक तो जरूर लगा लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया। आप देखिए राम नाम दो बार रिपीट है, ठीक है। तो यहां पर टाइप ऑफ डीसीटी देखते हैं आप, क्योंकि ये तो बन गया स्टेट डेटा टाइप, लेकिन कैसे पता, ये देखिए यहां पर जाते ही ओके करेंगे, सेव करेंगे, तो यहाँ पे क्लास सेट आएगा। तो सारे डेटा टाइप बताए हमने, एक डेटा टाइप और रह गया है जिसका नाम है स्ट्रिंग। तो आइए स्ट्रिंग को भी एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो यहां से इसको हटाता हूं और अब हम देखने जा रहे हैं स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग होता है सेट ऑफ कैरेक्टर्स, यानी कैरेक्टर्स का सेट जो है स्ट्रिंग कहलाता है। और किस तरीके से प्रमाणित होगा कि ये स्ट्रिंग है, जैसे मान लीजिए कुछ भी हमने स्टोर करा दिया, जैसे मान लीजिए इंडिया स्टोर करा दिया, INDIA, तो ये हो गया। अब इंडिया तो सेट ऑफ कैरेक्टर है ही है, लेकिन यहां पर प्रिंट ऑफ टाइप ऑफ ए करेंगे तो str डेटा टाइप आएगा, यानी स्ट्रिंग डेटा टाइप आएगा। तो इस तरीके से ये प्रमाणित हो जाएगा कि ये स्ट्रिंग डेटा टाइप है। तो ये हो गया स्ट्रिंग डेटा टाइप। तो ये सारे डेटा टाइप जो है पाइथन के थे, यानी बेसिक से लेकर एडवांस डेटा टाइप मैंने एक्सप्लेन कर दिया। आई होप कि आपको पूरी बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। थैंक यू।